हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एडुटेप टेट ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे। एंड आपको जैसे कि पता है कि सी टेट के फॉर्म की लास्ट डेट 5 मार्च है। जिन्होंने अब तक फॉर्म को नहीं भरा है, प्लीज़ आप भर दिए। कई बच्चे वेट करते हैं लास्ट मोमेंट तक कि हम बाद में फॉर्म भरेंगे और फिर एंड में कुछ साइट ओवरलोड हो जाती है, कभी कभार रिस्पॉन्स नहीं आता। तो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक फॉर्म को नहीं भरा है, प्लीज़ अपना फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। एंड आज का जो हमारा सेशन रहेगा, जैसे कि आपको दिख रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस डिस्कस करेगा ऑन पेडागॉजी पे। ये क्वेश्चंस अभी तक पहले डिस्कस नहीं, ये कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट टेट के एग्जाम से या डिफरेंट बुक्स से उठा के मैंने बनाए हैं। तो तुम्हारे हेल्प करेंगे सीटेट एग्जाम में कि ऐसे मिलते जुलते ट्रिकी क्वेश्चंस आप लोगों को आ सकते हैं या सेम एज इट इज ये क्वेश्चन आ भी सकता है। जिन्होंने भी अभी तक कोर्स को नहीं परचेज किया, प्लीज़ एक बार ही वो कोर्स को जरूर परचेज कर लेना। ये आज का थोड़ा सा डेमो सेशन रहेगा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। फिर कुछ क्वेश्चंस आपके कोर्स में डाल दिए जाएंगे, जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रैक्टिस के लिए जिन्होंने भी बच्चों ने सीटेट कोर्स ले चुके हैं वो देख लेना। धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आपके कोर्स में एड ऑन होते जाएंगे और फिर आपको प्रैक्टिस के लिए और अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम कुछ टफ और डिफिकल्ट क्वेश्चंस को प्लीज़ डिस्कस करिए। जिन्होंने अभी तक कोर्स को नहीं परचेज किया, प्लीज जरूर वो कोर्स को परचेज कर लेना। कुछ बच्चे मैसेज लिख रहे थे कि हम कोर्स को अप्रैल में लेंगे। ठीक है, आप लोग अगर कोर्स लेट लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं, बट आपको पता है जितनी जल्दी आप कोर्स लोगे आपकी उतनी अच्छी तैयारी होगी, आप उतनी अच्छे रिविजन कर पाओगे और आपका उतना ही अच्छा प्रैक्टिस होगा। तो इसलिए बेटर है अभी आप लोग लेट मत करिए और अपनी सीटेट एग्जाम की तैयारी जिन बच्चों ने भी नहीं शुरू की है वो प्लीज जल्दी शुरू कर दीजिए। एक बार ही बताना चाहूंगी कि पिछली बार एक्सीलेंट रिजल्ट्स थे बाय एडुटैप। 700 प्लस स्टूडेंट थे जिन्होंने सीटेट को क्लियर किया था और इस बार उम्मीद कर रहे हैं हम इससे ज्यादा बच्चे सीटेट को क्लियर करेंगे। पेपर वन का आपका फुल कोर्स है, पेपर टू का फुल कोर्स है, ठीक है। पेपर वन एंड टू के आपके कॉम्बो कोर्सेज भी है मैथ साइंस और सोशल स्टडीज के साथ। आपको इस कोर्स के अंदर क्या मिलेगा, 250 प्लस लगभग आपको कुछ इंटरेक्टिव कंसेप्ट वीडियोज रहेगी जिनमें से हर थ्योरी हर कंटेंट पेडागॉजी प्रॉपरली विद इमेजेस एनिमेशन के साथ समझाया हुआ है। एंड आपको और क्या मिलेगा कोर्स में, पीडीएफ नोट्स रहेंगे ईवीएस साइंस सीडीपी पे। कुछ बच्चे पूछते हैं मैम पीडीएफ नोट्स हमारे मैथ्स हिंदी इंग्लिश पे क्यों नहीं है, उनमें आपको पीडीएफ नोट्स की जरूरत नहीं है बिकॉज जो वो सब्जेक्ट्स है या वो टॉपिक्स हैं वो ज्यादा लॉजिकल है, तो उसके लिए हमने आपको प्रॉपर इमेजेस और एनिमेशंस के साथ कंसेप्ट को समझाया। एंड इक्वली 20 जैसे कि आप देख सकते हो 4500 प्लस चैप्टर वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज दिए हुए हैं कोर्स में। कुछ सेपरेट सेशंस रहेंगे एडवांस क्वेश्चंस पे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पे जो आपको धीरे धीरे आगे कोर्स में दिखेंगे और वो कुछ टफ क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको प्रॉपरली चेक करेंगे एंड आपका एंड में आपकी कॉन्फिडेंस को चेक करने के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा। आपको अगर कोई भी क्वायरी है कोई भी प्रॉब्लम है आप हमें मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in में या आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत हो 8146207241। ये हमारा YouTube का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है जिसमें ये लॉन्च वीडियो का लिंक है, यहाँ पे आप हमारी कोई भी लॉन्च वीडियो देख सकते हैं। ये जो लिंक है इस लिंक में आप कोर्स के बारे में फैकल्टी के बारे में सिलेबस के बारे में सारा कुछ जान सकते हैं और इस लिंक से आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ये जो आपको नीचे लिंक दिख रहा है ये वाला लिंक है, ये फॉर्म है, इस प्लीज इस फॉर्म को जरूर भरिए जो भी कोई न्यू स्टूडेंट है ताकि हम आपको दोबारा हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी और आपको गाइड करेगी हमारे कोर्स से रिलेटेड जो भी सारा कुछ कंटेंट है। एंड ये वंस अगेन नंबर है बताना चाहूंगी 8146207241। आपको कोई भी प्रॉब्लम है जो बच्चे मेल भी नहीं कर पाते हैं जिनको मुश्किल हो रही है हमारे तक मैसेज पहुंचाने में तो वो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप जैसे ही वीडियो को कुछ भी देखते हैं तो प्लीज़ उसे ज़रूर लाइक करिए ताकि हमें पता है आपके इस है तो ये बहुत छोटा सा काम है बट हम टीचर्स को बहुत मोटिवेशन मिलती है और हमें बहुत खुशी मिलती है कि हमें इतनी एक्सेप्टेंस मिल रही है और बच्चों को चीज़ समझ आ रही है। तो प्लीज़ यूट्यूब की वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे यहाँ पर आपको एक बेल आइकन दिखेगा, प्लीज़ इसको ज़रूर क्लिक करिए ताकि आपको कोई भी जो भी नोटिफिकेशन है वो टाइमली आती रहेगी, ये चीज आप ध्यान रखना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, ठीक है, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी, हिंदी वाले बच्चे हिंदी में पढ़ लेना, मैं प्रॉपरली दोनों लैंग्वेजेस में समझाऊंगी।
ये कोई सीटेट का पेपर था, मुंबई पेपर था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था. काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, हमारी सीटेट में भी आ सकता है. कहते फॉर मोस्ट राइट हैंडेड पीपल, जो राइट हैंड वाले पीपल होते हैं उनका जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है ब्रेन का जो लेफ्ट मस्तिष्क है वो क्या हैंडल करता है. कहते हैं स्पेशल विजुअल फॉर्मेशन इंफॉर्मेशन. स्पेशल विजन मतलब वो चीज जो रीजनिंग वगैरह से, लॉजिकल वगैरह से रिलेट करती है, लैंग्वेज को प्रोसेस करता है, इमोशंस को देखता है, या लेफ्ट आर्म की मूवमेंट करता है. अब ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कुछ कंसेप्ट पता होना चाहिए. आप ये इमेज दे सकते हैं, ये राइट हैंड कंट्रोल है लोगों का, ये लेफ्ट हेमिस्फेयर है, ये लेफ्ट हैंड जो कंट्रोल है ये उनका राइट हेमिस्फेयर है. अगर मैं आप देखूं क्वेश्चन है, कहते राइट हैंडेड पीपल के लिए जो लेफ्ट हेमिस्फेयर क्या हैंडल करता है. अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस देखो, राइटिंग, लैंग्वेज, साइंटिफिक स्किल, मैथमेटिक्स, लिस्ट, लॉजिक, इसमें जो प्रॉपरली एक वर्ड जो दिख रहा है वो दिख रहा है आपको लैंग्वेज, तो आपने ये चीज का ध्यान रखनी है. इसका आंसर आपका सेकेंड है, जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है वो ब्रेन का वो लैंग्वेज हैंडल करता है. जो मूवमेंट तो लेफ्ट आर्म का कुछ आते ही ना, जो ये स्पेशल विजुअल है, जो ये इमोशंस है, ये आपके राइट हेमिस्फेयर में आते हैं जो लेफ्ट हैंड कंट्रोल पीपल होते हैं. तो इस चीज का ध्यान रखना, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इमोशन, स्पेशल, म्यूजिक, क्रिएटिविटी, ये हमारे राइट हेमिस्फेयर में आते हैं जिनका कंट्रोल लेफ्ट हैंड कंट्रोल पे होता है. ठीक है, मतलब कहने का मतलब है जैसे कि जो कुछ लेफ्ट हैंड लोग होते हैं उनका जो ब्रेन हेमिस्फेयर है वो राइट हैंड कंट्रोल कर रहा है ये चीजें, और जो राइट हैंड कंट्रोल वाले होते हैं जो राइट से लिखते हैं उनका जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है वो ये चीजें कंट्रोल कर रहे हैं. तो बेटर है, जैसे इस बार तो इन्होंने क्वेश्चन में लैंग्वेज पूछा है, बाकी किसी और क्वेश्चन में वो आपका ये इमोशन पूछ सकते हैं, म्यूजिक पूछ सकते हैं, क्रिएटिविटी पूछ सकते हैं. तो आप चीज इसका ध्यान रखना है, तो ये इमेज को याद कर लेना, आपको प्रॉपरली सारा कुछ याद हो जाएगा. तो इसके अंदर अगर हम आंसर देखेंगे, जो लेफ्ट हेमिस्फेयर ब्रेन का जो राइट हैंड वाले लोग होते हैं जो राइट हैंड से लिखते हैं उनका लेफ्ट हेमिस्फेयर क्या कंट्रोल करता है, लैंग्वेज प्रोसेसिंग. ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, सेकंड. और इस इमेज को याद कर लेना कि अगर कोई क्वेश्चन और आता है लेफ्ट हैंड वाले का आता है उसका राइट हेमिस्फेयर पूछते हैं तो आपको ध्यान रहे कि क्या आंसर आपको इसमें से चूज करना है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ये एक सीटेट का ही क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा ट्रिकी भी था, काफी बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं भी पता था. कहते हैं इन द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ थिंकिंग फॉलोइंग स्टेप्स टेक प्लेस, रिस्पॉन्स एग्जीक्यूशन, रिस्पॉन्स सिलेक्शन, प्री प्रोसेसिंग या कैटेगराइजेशन. ठीक है, अब इसमें ना मैं आपको बताती हूँ ये स्टेप्स लगाने थे, काफी बच्चे ये नहीं कर पाए, ये कुछ थोड़ा थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन था. जो ये आपका ये देखो मैंने साइड में लिखा है, जो ये आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है ना, ये कॉग्निटिव जो भी आपके साइकोलॉजिस्ट होते थे जो बेसिकली मेंटल प्रोसेसेस से डील करते थे वो ये कोई मॉडल है जो ये यूज करते थे. एक तरह से ये मॉडल थिंकिंग प्रोसेस, जैसे हमारा कंप्यूटर काम करता है ना, कि कंप्यूटर ह्यूमन माइंड भी हमारा इंफॉर्मेशन को लेता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है, उसको स्टोर करता है और फिर उसको बाहर देता है. एक तरह से मॉडल ऐसी कंप्यूटर वर्क करता है, कंप्यूटर आपकी इंफॉर्मेशन लेता है, उसे समेटेगा और उसको स्टोर कर लेगा, ऐसे ही हमारा ह्यूमन माइंड है. तो उसमें जो लगभग स्टेप्स है ना, ये इसमें से हमें ऑर्डर में लगाने थे. अब अगर आप एक चीज सोचिए, रिस्पॉन्स हमेशा बाद में आता है कोई भी चीज हो, तो इसमें जो पहला स्टेप है, बच्चे ये दो स्टेप में कंफ्यूज होते, कुछ बच्चों को लग रहा था पहले प्री प्रोसेसिंग या कुछ बच्चों को पहले लग रहा था कि कैटेगराइज करना. वैसे इसमें जो फर्स्ट स्टेप आपका होगा वो आपका होगा प्री प्रोसेसिंग. प्री प्रोसेसिंग का मतलब देखो, इट डिस्क्राइब्स एनी टाइप ऑफ प्रोसेसिंग परफॉर्म्ड ऑन रॉ डाटा टू प्रिपेयर फॉर अनदर प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट. कोई भी चीज आपके पास रॉ डाटा है, रॉ मतलब डाटा भी कच्चा डाटा है, आपने उसको आगे प्रोसेस करना है. जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, आप लोग ने कुछ बनाना है, आपने कुछ ड्राइंग करनी है, पहले आप पेन पेपर कुछ उठाते हो, कुछ रफ चीज उठाते हो, फिर आगे कुछ आप कैटेगराइज करोगे, प्रोसेस बनाओगे कि अब मैं इसको ऐसे करूंगा, फिर आप अपना रिस्पॉन्स सिलेक्ट करोगे कि मैं इसको अब आगे ऐसे यूज करूंगा किसी तरह, ये मैं इसको रिस्पॉन्स सिलेक्ट करूंगा और फाइनली मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगा, जो हमारा फाइनल स्टेप होता है. देखो इन दो में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हमेशा रिस्पॉन्स पहले सिलेक्ट किया जाता है कि मैं ये
दूंगा और एग्जीक्यूट मतलब फिर फाइनल अनुक्रिया कह लो कार्य वर्णन की, अब फाइनल मैं क्या उस पे दूंगा। पहले होता है चयन, सिलेक्ट करना, तो ऑफ कोर्स बी पहले आएगा और सबसे पहले फिर लास्ट में ए आएगा। इन दोनों में से अगर मैंने आपको वही पता है रॉ डाटा मतलब पहले कच्चा जो आपका डाटा है पहले हम उसे इकट्ठा करते हैं तो आपका सी पहले जाएगा, फिर उस डाटे को हम कैटेगराइज करते हैं प्रॉपर उस डाटे को वर्गीकरण करते हैं। तो अगर मैं ऑप्शन देखूं ये ऑप्शन यहाँ सेकेंड ही बन रहा है आई थिंक, पहले सी किया प्री प्रोसेसिंग किया फिर उसको प्रॉपरली कैटेगराइज किया फिर हमने रिस्पॉन्स को सिलेक्ट किया जो मैंने उस पर अनुक्रिया देनी है ठीक है, फिर फाइनली मैंने जो फाइनल रिएक्शन देना है जो एग्जीक्यूट कर दिया एक तरह से लॉन्च कर दिया जो वो हमारा ए होगा। तो इसमें जो बेस्ट आपका सही करेक्ट सीक्वेंस वो बनेगा सी डी बी ए ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना, इसको वैसे ही याद कर लेना, ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है, कंप्यूटर में भी लगभग ऐसा ही होता है और ये जो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट यूज करते थे ये भी कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड था, ह्यूमन माइंड का ही था कि कैसे हमारा माइंड वर्क करता है। पहले हम चीजों को रॉ इकट्ठा करते हैं फिर उन्हें समेटते हैं ऑर्गेनाइज करते हैं फिर हम देखते हैं कि हम उस पर क्या रिस्पॉन्स सिलेक्ट करेंगे कि मैं ये वाला दूं या ये वाला दूं और फाइनली फिर हम उस काम को एग्जीक्यूट करते हैं ठीक है, फिर उस काम को फाइनली कर देना। तो इसका ऑप्शन आपका क्या बनेगा सेकेंड सी डी बी ए। आई होप ये आपको क्लियर हो गया ठीक है, ये कोई भी रिपीट क्वेश्चन है ये दोबारा भी आ सकता है सीटेट के अंदर, आप इस चीज का ध्यान रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बोला है कि डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड टू द ग्रोइंग लेयर ठीक है, वो सीमित नहीं है वृद्धि तक, इंस्टेड इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस टूवर्ड्स द गोल ऑफ मेच्योरिटी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बहुत ईजिली समझ आ रहा है कि कौन कहता है जो हमारी डेवलपमेंट लिमिटेड नहीं है ग्रोइंग लेयर तक। ग्रोइंग लेयर तक मतलब कि डेवलपमेंट सिर्फ लिमिटेड नहीं है हमारे वेट साइज हाइट इन चीजों तक, डेवलपमेंट हमारी प्रोग्रेस जो हमारा ये विकास है वो वहां तक लिमिटेड ही, इंस्टेंट कहते हैं जो हमारा विकास है ये काफी प्रोग्रेसिव, इसमें काफी चेंजेस होते हैं ताकि हम मेच्योरिटी मतलब परिपक्वता तक पहुंच सके एक्सपीरियंस कर सके चीजों को। ये लाइन किसने कही, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक पूरा चैप्टर भी है आपकी पेडागॉजी में, तो ये आ सकती है जरूर लाइन, आप इसको याद कर लेना, ये लाइन आपकी हर लॉक ने कही है ठीक है। यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू हर लॉक प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस है डेवलपमेंट दैट अकर एक ऑर्डरली प्रिडिक्टेबल पैटर्न में चलती है एज अ रिजल्ट ऑफ जैसे जैसे हम मेच्योर होते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट थ्रू आउट हमारी लाइफ चलती है। डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड टू ग्रोइंग लेयर, ग्रोइंग लेयर मतलब ये हाइट वेट या और तक सीमित नहीं है, सिर्फ बॉडी तक सीमित नहीं है, डेवलपमेंट एक बहुत ही वास्ट ओवरऑल एक होलिस्टिक जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में होलिस्टिक एक्सपीरियंस है ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 31st का आंसर आपका क्या होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था, मुंबई के पेपर में आया था, यूजली के ये क्वेश्चन थोड़ा साइंस से रिलेटेड है क्वेश्चन, फिर भी ये सीटेट में पूछा हुआ था, पेडागोजी में आ गया था। जो भी ये वाले पेपर देते हैं राजस्थान टेट हो गए बिहार टेट हो गए या आपका यूपी टेट हो गया, आप इनमें देखना दो तीन क्वेश्चन साइंस के आपके साइकोलॉजी में रहते हैं, जीन्स का क्वेश्चन हो गया, क्रोमोजोम का क्वेश्चन हो गया, मेंटल रिटार्डेशन एक चैप्टर है उसमें हमारे कुछ डिफेक्ट्स हैं साइंस से रिलेटेड क्रोमोजोम से रिलेटेड, वो आते हैं आपके जो भी टेट के एग्जाम्स है साइकोलॉजी में आते हैं, क्योंकि ये साइकोलॉजी में एडवांस जो हायर चैप्टर्स हैं जो कभी कभार एनवीएस के पेपर में केवीएस के पेपर्स में पूछे जाते हैं ठीक है। सीटेट में जैसे सीटेट में आप देखो 2012 के मुंबई के पेपर में आया हुआ था, तो मे भी कुछ नहीं पता होता है कि रिपीट क्वेश्चन भी दोबारा सीटेट में ये आ जाए। इसमें से पूछा है कि कौन सी लाइन इसमें से ट्रू है, एंड्रोजन्स आपके फीमेल हॉर्मोन्स हैं या ओस्ट्रोजन्स कहते हैं आपके मेल हॉर्मोन्स है, प्रोजेस्टेरोन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई पिच्ड वॉइस ऑफ गर्ल्स, या कहते हैं बोथ एंड्रोजन एंड ओस्ट्रोजन आर प्रेजेंट इन बॉयज एंड गर्ल्स एट प्यूबर्टी। अब देखो जो इसमें ये पहली लाइन है ना ये ट्रू नहीं है, जो आपके एंड्रोजन्स हैं वो मेल सेक्स हॉर्मोन्स है, आप इस चीज को ध्यान रखना ठीक है। एंड्रोजन्स जो भी बच्चों ये कंसेप्ट एक न्यू है जिन्हें नहीं पता वो याद कर लेना, एंड्रोजन्स आपके मेल सेक्स हॉर्मोन्स हैं ठीक है, जो आपके ओस्ट्रोजन्स हैं जिसे हम एस्ट्रोजन भी कहते हैं वो आपके फीमेल सेक्स हॉर्मोन है, तो ये लाइन भी ट्रू नहीं है।
थर्ड लाइन कहते हैं प्रोजेस्टेरोन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई पिच्ड वॉइस ऑफ गर्ल्स. अब मैं जो आपको ये वाला हार्मोन है ना प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन आपका फीमेल हार्मोन है और ये फीमेल हार्मोन देखो क्या करता है, ये फीमेल की कॉर्पस ल्यूटम, ये एक हमारा बॉडी पार्ट ही है ठीक है, वहां से ये हार्मोन क्या कहते हैं रिलीज होता है जो हमारे फीमेल के यूटेरस को तैयार करता है फॉर प्रेगनेंसी. बेसिकली ये हमारा फीमेल सेक्स हार्मोन ही है जिसका काम प्रेगनेंसी में या हार्मोन्स कंट्रोल करने में मदद करता है ठीक है. तो अगर आप ये देखें ये बात बिल्कुल ट्रू है जैसे यहां लिखा हुआ है प्रोजेस्टेरोन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, कि ये तेज आवाज जो लड़की में होते हैं उसके लिए इसका कोई रोल नहीं, ये बात सच है कि प्रोजेस्टेरोन का इसमें कोई रोल नहीं है कि लड़कियों की जो आवाज हाई पिच्ड आती है तेज आवाज है उसके लिए कोई और हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल, वो ये नहीं है क्योंकि इस हार्मोन का फंक्शन तो हमारे फीमेल सेक्स हार्मोन में या प्रेगनेंसी के अंदर है तो इसमें नहीं है. तो ये लाइन ट्रू है तो इसका थर्ड ऑप्शन ठीक है. एक बारी फोर्थ देख लें. फोर्थ जो आपके एंड्रोजन या ओस्ट्रोजन है ना ये गर्ल्स और बॉयज में प्रेजेंट होते हैं कहीं ना कहीं एट प्यूबर्टी, जब टीनेज होती है जब कह लो किशोर अवस्था शुरू हुई होती है तभी हार्मोन कहीं ना कहीं प्रेजेंट होते हैं, ये बात कहीं ना कहीं सच है ठीक है. हॉर्मोन्स यूजली मेल सेक्स हॉर्मोन या फीमेल से एक दूसरे के अंदर भी अलग अलग ये पाए जाते हैं तो ये बात कहीं ना कहीं सच है, ये साइंटिफिकली कहीं ना कहीं प्रूवन है. जिन्होंने भी कोर्स लिया हुआ है जो हमारी वो साइंस की वीडियोज है उसमें भी ये आपका ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स का हॉर्मोन्स आएंगे उसमें ये कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह दानिश सर ने समझाया हुआ है ठीक है, तो आप उसमें भी ये पढ़ सकते हैं और आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा. उसके अलावा तो इसके अंदर आपका क्या आंसर बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा थर्ड ठीक है, कि ये लाइन बिल्कुल ट्रू है क्योंकि मैंने प्रोजेस्टेरोन का आपका फंक्शन बता दिया है, ये फंक्शन है आपका, ये बिल्कुल इन्होंने ठीक लिखा है कि ये फंक्शन नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं अंडर विच स्टेजेस इज द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ एन एक्टिविटी डिस्कवर्ड बाय द चाइल्ड. कहते कौन सी स्टेज के अंदर कॉज एंड इफेक्ट कोई भी एक्टिविटी का बच्चा डिस्कवर करने लगता है कौन सी स्टेज में. बहुत बच्चे जो ये कॉज एंड इफेक्ट का कंसेप्ट है ये मिस कर देते हैं जो कि प्री ऑपरेशनल बच्चे की स्टेज में आता है. कई बच्चों को ये पता भी नहीं होगा कि कॉज एंड इफेक्ट है, ये वैसे तो सीटेट में 2-3 बार आ भी चुका है फिर भी बच्चों को नहीं पता, तभी मैंने क्वेश्चन उठाया है ठीक है. जब बच्चे को एक्चुअली टाइम के कंसेप्ट लॉजिकल कंसेप्ट अभी समझ आने नहीं शुरू होते हैं, उसको बस जितना दिख रहा होता है वही वो उसका कारण मानता है, वही उसका वो असर मान लेता है कि शायद इसका कारण भी यही है और इसका जो प्रभाव पर है वो भी यही है. उसको जितना मतलब दिखता है वो उसको प्रॉपरली समझ नहीं पाता है कि एक्चुअल इसके पीछे का जो लॉजिकल चीज है वो क्या है. तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा ही है जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है वो ये प्रिडिक्ट करता है, वो ये शो करने लगता है कि जो उसको दिखाई दे रहा है बस उतना ही उसका कह लो कारण है. जैसे कि क्वेश्चन आया हुआ था सीटेट में, बच्चा बोलता है कि क्लोथ्स ड्राई फास्टर इन सन, उसको लगता है कि सूरज बहुत तेज है तो ही कपड़े सूख रहे हैं, बस उसने नोटिस किया कि सूरज है तो कपड़े सूख रहे हैं, अगर सूरज नहीं होता तो कपड़े बिल्कुल भी सूख नहीं सकते. और ऐसी बात ट्रू नहीं है, आपको पता है अगर वैसे ही कपड़े सुखाने डाल दे हवा की वजह से या पूरा दिन भी कपड़े तब भी सूख जाते हैं ठीक है. बच्चे को पर ये लगा कि सूरज है ये वो कॉज है और इफेक्ट इसका है तो कपड़े सूख गए. तो ये ऐसी एक्टिविटी बच्चा कब देखने लगता है आपका सेकेंड स्टेज में, आप ध्यान रखना प्री ऑपरेशनल स्टेज में. डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कॉज एंड इफेक्ट एक्टिविटी बच्चा कौन सी स्टेज में शो करता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एक मुंबई पेपर का क्वेश्चन था, काफी अच्छा और थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था. कहते कि अभिमन्यु एक स्टूडेंट है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का ठीक है, वो एडमिशन ले लेता है क्लास 4th में एक पब्लिक स्कूल अंडर राइट टू एजुकेशन एक्ट में. कुछ टाइम बाद उसके क्लासमेट उसको बुली करने लग जाते हैं, उसको तंग करने लग जाते हैं क्योंकि वो पुअर बैकग्राउंड से है. एज अ टीचर कहते आप क्या करोगे इस सिचुएशन में अगर आप कॉलबर्ग की थ्योरी को फॉलो कर रहे हो. अभी हमने पिछले वीडियो में कॉलबर्ग के क्वेश्चंस भी डिस्कस करे हैं, मैंने कॉलबर्ग की थ्योरी भी एक्सप्लेन करी हुई है फ्री वीडियो में, जिन्होंने नहीं देखी है वो एक बार देख लेना. अगर अब इसमें मैं देखूं
कि वो पहला ऑप्शन है कि कन्वे टू द स्टूडेंट्स कि उनको पनिशमेंट मिलेगी अगर वो बच्चे को बुली करेंगे, या कहते काउंसल करो बच्चे को अबाउट एक्सेप्टिंग अभिमन्यु को एज देयर, कि अपने साथ एक्सेप्ट करो कि ये फेलो स्टूडेंट है, अभिमन्यु को अवॉइड करो, आस्क अभिमन्यु कि ऐसे बच्चों को वो अवॉइड करे जो उसको बुली कर रहे हैं, या रिक्वेस्ट करो प्रिंसिपल को ताकि वो डिसेंट ड्रेस और पेयर ऑफ शूज बनाए अभिमन्यु के लिए। पहले तो मैं साफ ही इसमें से देखो देखते हैं कि जो ऑप्शन बिल्कुल ही नेगेटिव है वो तो डिलीट करो। जो फोर्थ ऑप्शन है ये तो बिल्कुल भी गलत है। हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा भी ऐसा कुछ नहीं कहती कि आप उसको अलग से ड्रेस दिलाओ, बच्चे को शूज दिलाओ, फिर उसे अलग करो क्योंकि वो वीकर सेक्शन से, ये बनता ही नहीं है। हम अभिमन्यु को ये भी चीज नहीं सिखा सकते कि वो स्टूडेंट को इग्नोर करे। बच्चे या फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में से ही कंफ्यूज होंगे। अगर मैं इसको पेडागोजी क्वेश्चन लेती तो हम शायद ये आंसर करते कि काउंसिल करें हमारे आसपास के बच्चों को ताकि वो अभिमन्यु को एक्सेप्ट करें अपने बच्चों के साथ। बट क्वेश्चन में ना एक्चुअली स्पेशली लिखा हुआ है कि अगर आप कोहलबर्ग की सिचुएशन में होते आप क्या डील करते हैं। अब मैं बताती हूँ इस क्वेश्चन का जो लॉजिक है ना वो ये यूज होगा। कोहलबर्ग की जो पहली स्टेज है जो कि प्री ऑपरेशनल कह रही हूँ, सच प्री कन्वेंशनल जो स्टेज है वो अगर आप देखिए उसमें लगभग प्राइमरी स्कूल तक के बच्चे आते हैं, फर्स्ट टू फिफ्थ लगभग कह लो प्राइमरी क्लास। इसमें अब देखो क्लास फोर्थ ये छोटी क्लास ही है, और क्लास अगर छोटी है तो मैं उसमें दो तरीकों से ट्रीट करूंगी। स्टेज वन है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, या तो मैं बच्चे को पनिशमेंट देके ट्रीट करूंगी, या दूसरी स्टेज थी कि उसमें सेल्फ इंटरेस्ट देखा जाएगा, कुछ इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। अगर जिन्होंने कोहलबर्ग थ्योरी पढ़ी उन्हें ये याद होंगी दो स्टेज। तो इसमें अगर मैं आंसर कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग चूज करूंगी और एज ए टीचर मैं खड़ी हुई हूं तो मैं फर्स्ट चूज करूंगी कि मैं स्टूडेंट्स को कन्वे करूंगी कि वो पनिश होंगे अगर वो उसको बुली करेंगे, जिस वजह से बच्चे क्या होंगे, डर जाएंगे, इसलिए वो ऐसा नहीं करेंगे और वो टीचर की बात को अबे करेंगे। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू दी कोहलबर्ग थ्योरी। और मैंने कहां से इसका हिंट लगाया कि क्लास फोर्थ है, प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, प्राइमरी लेवल तक के बच्चे, हमने पिछला क्वेश्चन भी वीडियो में डिस्कस किया था, आपके लेवल वन में आते हैं, स्टेज वन और स्टेज टू में। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन विच स्टेज, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है पर कई बार बच्चे फिर भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। कौन सी स्टेज में कहते हैं प्याजे के चाइल्ड बिहेवियर का मोस्टली डिटरमाइंड होता है बाय रिफ्लेक्सेस। धीरे धीरे जब बच्चा सेंसेस और रिफ्लेक्सेस से करने लग जाता है, ऑफकोर्स उसका आंसर आपका क्या है, फर्स्ट है। फर्स्ट स्टेज में ही ऐसी संवेदी अवस्था जब बच्चा धीरे धीरे हाथ पकड़ना शुरू करता है, चीजों को मुंह में डालना शुरू करता है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला था, बहुत बच्चों को नहीं पता है कि प्याजे की, एक तो ये तो पता है ये सबको, चार स्टेजेस है प्याजे की। जो आपकी फर्स्ट स्टेज है दैट इज सेंसरी मोटर स्टेज, उसके अंदर भी 6 सब स्टेजेस हैं। ये आप देख सकते हैं, मैंने सिंपल रिफ्लेक्सेस यहां से शुरू होते हैं, क्वेश्चन कभी कभी सीटेट में आ जाता है। जो बच्चे के सिंपल रिफ्लेक्सेस हैं वो एक तो सेंसरी मोटर में आते हैं, बच्चा वो कितने से कितने मंथ में वो शो करता है, दैट इज 0 to 1 month। ये सारी सब स्टेजेस हैं, ठीक है। फर्स्ट हैबिट, प्राइमरी सर्कुलेशन, सेकेंड सर्कुलर रिएक्शन, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर, टर्शियरी सर्कुलर, नोवेलिटी, क्यूरियोसिटी एंड इंटर्न, ये कोर्स के अंदर ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। मैं भी कोर्स में ये अपडेट कर दूंगी ताकि अपने थ्रू ये स्टेजेस को दोबारा समझा सकूं। तभी बोल रही जिन बच्चों ने कोर्स नहीं लिया वो एक बारी कोर्स को ले लेना, बहुत अच्छी तरह ये स्टेजेस उसमें समझाई हुई हैं, 6 सब स्टेजेस, और इससे जरूर सीटेट में क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन मैंने तभी डाला था ताकि जिन बच्चों ने भी अगर कभी नहीं पढ़ी है वो ये प्याजे की 6 सब स्टेजेस को अच्छी तरह पढ़ लेना। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, फर्स्ट, वैसे तो सेंसरी मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते आप अज्यूम करो योरसेल्फ टू बी अ टीचर, आप टीचर हो, एंड सपोज कहते कुछ ऐसे चिल्ड्रन है, फ्यू चिल्ड्रन जो कि एक्सेप्शनली काफी ब्राइट है और उनको आप कैसे पढ़ाओगे। कहते अलोंग विद क्लास, अलोंग विद हायर क्लासेस, बाय कंडक्टिंग एनरिच प्रोग्राम्स ओनली व्हेन दे वांट।
अब इसका जो कंसेप्ट मैं बताती हूँ, ये वर्ड अगर कहीं बच्चों ने नहीं सुना है तो वो सुन लेना। एनरिच्ड प्रोग्राम काफी बार यूज होता है। बेसिकली एनरिच्ड प्रोग्राम की देखो डेफिनेशन ये है, सिलेक्शन ऑफ कुछ ऐसे लर्निंग एक्सपीरियंस और एक्टिविटीज जो कि एप्रोप्रिएट है चाइल्ड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। कुछ ऐसी एक्टिविटी और एक्सपीरियंसेस इकट्ठे करो जो बच्चे के अकॉर्डिंग सूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पेशल असाइनमेंट, वर्क ऑन इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट या कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडल्स। जिन्होंने भी गिफ्टेड कोर्स के अंदर गिफ्टेड ये चिल्ड्रन का कंसेप्ट पढ़ा होगा, गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए ना कि उनकी काफी दिक्कतें होती हैं, वो लोग क्लास में कभी कभार बोर हो जाते हैं, उनके लिए चीजें रेपिटेटिव होती है, तो ऐसे ब्राइट बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स बनाए गए हैं। और वो प्रोग्राम्स आपके कौन से हैं, एनरिचमेंट प्रोग्राम्स बोलते हैं। एक तरह से ऐसे प्रोग्राम्स जिसमें हम बच्चे के लिए कुछ ऐसे एक्सपीरियंस और एक्टिविटी लेके आते हैं ताकि उनकी जो इंटेलिजेंसी है वो किसी तरह उसमें लग जाए। उनको कोई अलग से असाइनमेंट, प्रोजेक्ट या मॉडल दे देना ताकि वो लोग बिजी हो जाए और जो उनकी इंटेलिजेंस है, जो उनकी बुद्धि शक्ति है, वो प्रॉपरली यूज हो जाए। तो ऐसे चिल्ड्रन के लिए मैं ये करूंगी। ठीक, अगर ये इंक्लूसिव एजुकेशन का क्वेश्चन होता तब तो मैं ऑफ कोर्स अलोंग विद नॉर्मल क्लास पढ़ाती, क्योंकि उसमें कहते हैं कि हमें बच्चे को लग नहीं करना। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन स्पेशली ये लिखा हुआ है, फ्यू चिल्ड्रन जो कि ब्राइट है उन्हें आप कैसे पढ़ाएंगे, उन्हें उनके लिए स्पेशल ये प्रोग्राम उन्हीं के लिए बनाए गए हैं ताकि उनकी जो ऊर्जा है उन्हें किसी तरह व्यवस्थित किया जाए, किसी तरह किसी थां पे कह लो लगाया जाए प्रॉपरली। तो इसका ध्यान रखना आंसर आपका क्या होगा, थर्ड। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, एनरिचमेंट प्रोग्राम्स आर फॉर बैकवर्ड चिल्ड्रन, रिटार्डेड चिल्ड्रन, नॉर्मल चिल्ड्रन या गिफ्टेड एंड ब्राइट चिल्ड्रन। तो आपका आंसर क्या होगा, गिफ्टेड एंड ब्राइट चिल्ड्रन। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना, इसका आंसर है आपका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। आपके ये साइकोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट के, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ने के काफी सारे मेथड्स हैं। ठीक है, जिसमें से जो यहाँ पे वैसे मेथड दिए हुए ये कोई है भी नहीं, इसमें सिर्फ एक ही मेथड है जो कि बेस्ट है और वो आपका डेवलपमेंटल मेथड है, या एक चैप्टर भी है डेवलपमेंट साइकोलॉजी। ये एक साइंटिफिक अप्रोच है जो कि एम करती है कि हम बच्चे की ग्रोथ, चेंज और कंसिस्टेंसी पढ़ेंगे थ्रू लाइफ स्पैन, पूरा टिल डेथ तक। तो ये इसमें सारा कुछ कवर हो जाता है, थिंकिंग, फीलिंग, बिहेवियर इस मेथड में। तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। जो आपका ये साइको एनालिटिक मेथड है, ये आपका साइको एनालिसिस की थ्योरी भी है जो सिगमंड फ्राइड ने दी है, जो कि डील करती है कुछ ईगो कॉन्शियस माइंड से रिलेटेड, तो वो ही आंसर बनेगा। नहीं ये स्टैटिस्टिकल मेथड, ये कुछ रिलेटेड टू आपके डाटा लॉजिकल मेथड से रिलेटेड है। कंपेरेटिव मेथड, इससे कुछ रिलेटेड नहीं है साइकोलॉजी से, ये कुछ अलग मेथड है जो किसी और स्ट्रीम में यूज होता है। तो इसमें जो आपका बेस्ट मेथड है दैट इज, आप ध्यान रखना, डेवलपमेंट मेथड। कुछ भी ऐसा क्वेश्चन लिखा है कि बच्चे की बेस्ट सारी तरह की डेवलपमेंट कह लो, बच्चे की प्रॉपर फीलिंग, बिहेवियर, थिंकिंग, उसका लाइफ स्पैन, उसका प्रॉपर ग्रोथ कौन से मेथड से बेस्ट हो रही है, तो आपने ध्यान रखना आंसर क्या होगा आपका, थर्ड, विकास विधि। ठीक है, डेवलपमेंट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेवलपमेंट टास्क एक कंसेप्ट है जो कि सबसे पहले किसने यूज किया था। हर्बर्ट ने, ब्रूनर ने, हेविगस्ट ने या हर्लॉक ने। हर्लॉक ने तो हमने पढ़ा था कि क्या बताया था उसने, ये देखो मैंने साइड में लिखा हुआ है कि सबसे पहले जो डेवलपमेंट टास्क एक कंसेप्ट यूज किया था रॉबर्ट हेविगस्ट ने। इस चीज को याद रख लेना आप, जिन बच्चों को भी नहीं पता है काफी इंपॉर्टेंट है, ये सीटेट के अंदर आ सकते हैं। थोड़ा सा बता देती हूँ डेवलपमेंटल टास्क के बारे में कि बेसिकली ना जैसे एक स्टेज होती है, जैसे इन्फेंसी में है कि हमें पता है बच्चा रोल करेगा, क्रॉल करेगा। जब बच्चा धीरे धीरे अर्ली चाइल्डहुड में आ जाएगा वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उठना शुरू करेगा, हल्के हल्की स्टेप बाय स्टेप वॉकिंग करना शुरू करेगा। जब बच्चा लेटर चाइल्डहुड में आ जाता है फिर वो प्रॉपर वॉकिंग करेगा, रनिंग करेगा। तो ये हर स्टेज के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट टास्क है जो कि हेविगस्ट ने प्रॉपरली दिए कि इस स्टेज में बच्चे को प्रॉपरली क्या क्या करना है और वो उसे करना चाहिए। अगर वो नहीं करता है प्रॉपरली उस स्टेजेस में तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ उसके डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है। तो ये कुछ ऐसे इसके टास्क है, कोर्स के अंदर गिवन है, जिन बच्चों ने भी पढ़ा होगा उन्हें समझ आ गया होगा। बाकी जिन बच्चों को नहीं पता एटलीस्ट वो इतना याद रख लेना कि डेवलपमेंट टास्क कंसेप्ट सबसे पहले इसने यूज किया था। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, थर्ड।
आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ आ गए. कुछ टफ और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस थे, ऐसे ही धीरे धीरे हम लेटर वीडियोस में और डिस्कस करते रहेंगे. एंड इनको प्रॉपरली याद कर लेना, ये बहुत क्वेश्चंस रिपीट होके या थोड़ी बहुत ही लाइन्स घुमा के आ जाते हैं. एक बारी फिर बताना चाहूंगी कि पेपर वन का फुल कोर्स है, टू के फुल कोर्सेज हैं, पेपर वन प्लस टू के हमारे कॉम्बो कोर्सेज भी हैं. आपको और क्या मिलेगा हमारे कोर्स के अंदर, 250 इंटरेक्टिव कंसेप्ट वीडियोज रहेंगे सारे टॉपिक्स पे, प्रॉपर कंटेंट एंड पेडागॉजीज पे, पीडीएफ नोट्स रहेंगे आपके ईवीएस साइंस सीडीपी पे, 4500 चैप्टर वाइज एमसीक्यूज रहेंगे, कुछ सेपरेट सेशंस रहेंगे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पे, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे आपको एंड में चेक करने के लिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप वर्किंग हार्ड, कीप मोटिवेटिंग एंड बी पॉजिटिव.